कोरोना महामारी में कई ट्रेनों का परिचालन बंद किया गया था। दक्षिण पूर्व रेलवे ने बहुत सारी महत्वपूर्ण सवारी गाड़ियों और एक्सप्रेस गाड़ियों को बंद किया था, जैसे भोजोडी, भादा, खानोडी, सेवाडी, सलगडिया, महुदा, चंद्रपुरा और धनबाद की जनता को काफी परेशानी हो रही थी। परेशानी को देखते हुए चंदन क्यारी प्रखंड कांग्रेस कमेटी बंद किए गए तमाम गाड़ियों का परिचालन शुरू करने की मांग कर रही थी। मंगलवार को भोजोडी रेलवे स्टेशन पर आगरा खानोडी सवारी गाड़ी आने पर कांग्रेस पार्टी द्वारा इसका स्वागत किया गया। कार्यक्रम में शामिल जिला के सूत्री उपाध्यक्ष और प्रखंड कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवाशीष मंडल ने बताया कि इस क्षेत्र में गाड़ियों का परिचालन बंद रहने से क्षेत्र के लोगों को काफी परेशानी हो रही थी। अभी भी कुछ गाड़ियों का परिचालन बंद है। इन तमाम गाड़ियों का ठहराव भोजोडी में किए जाने की मांग की गई। आज लगभग अढ़ाई वर्षों से हम लोगों का जो ऐतिहासिक लोकल ट्रेन थी उसे कोरोना के आड़ में रेलवे प्रबंधन द्वारा बंद कर दिया गया था, जिसे चालू करने के लिए कांग्रेस परिवार तरह तरह का आंदोलन किया, जिसमें धरना, प्रदर्शन, डिमांड लिस्ट से यहाँ से लेके आगरा डीआरएम ऑफिस तक और रेलवे बोर्ड तक को भी चिट्ठी लिखा गया। आज वो ट्रेन स्टार्ट हुआ। जनता खुशी जाहिर कर रही है, वो तो दिखाई दे रहा है, और कांग्रेस को आभारी प्रकट कर रहे भोजोडी वासी और आसपास के ग्रामीण, जो हम लोग कुछ माह पहले भोजोडी स्टेशन पर एक दिवसीय धरना दिए थे और हमारी मांग थी कि ये ट्रेन जल्द से जल्द रेल प्रशासन शुरू करे, और उसी के तहत कांग्रेस का आंदोलन के तहत ही आज हमें ये ट्रेन फिर से मिल पाई है।